सत्ता, सत्ता यानी ताकत। सरकार वो चुनिए जो आपके लिए कड़े निर्णय ले सके, जिसमें जिसके हाथ में सत्ता होती है वो कहलाता है शासक। इंदिरा गांधी ने असम जाकर उसे भी कश्मीर बनने से बचा लिया। पहले तो तुम मुझसे सिखा करती थी, मगर अब सिखाना चाहती हो। गूंगी गुड़िया ने तो अपने पाप को नीचे गिराकर उसकी कुर्सी हड़प ली। राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। बॉर्डर पे क्या सिचुएशन है? हमें वापस स्ट्राइक करना चाहिए। वाजपेयी जी, मैं एक राजनेता से मोल भाव करने आई थी, मगर सामने सिर्फ एक सच्चा देशभक्ति का। इंदिरा जी, देश हमारा भी है। क्या बात है? Are you with me in this? I am with India, Prime Minister. You have effectively declared war on Pakistan. You should have rethought this decision. You have weaponry. We have courage. That's all it takes. शिमला अग्रीमेंट तो भारत की बहुत बड़ी हार है। यही होता है जब कोई व्यक्ति देश सेवा के लिए नहीं सत्ता के लिए लड़ता है। हम सबकी नजर आपकी कुर्सी पर है कि कब आप कुर्सी से गिरे और ये लपके। संपूर्ण व्यवस्था बदलने का एक ही रास्ता है, संपूर्ण क्रांति। क्या बैड न्यूज है जेपी? शिमला अग्रीमेंट, रेलवे स्ट्राइक, विच वन? संजय, अपनी कुर्सी की रक्षा करना तुम लोगों का कर्तव्य है। एक बार छोड़ दी तो गई। ये देश एक खुली जेल बन जाएगा। पूरी कैबिनेट की सहमति आवश्यक होती है इंदिरा जी। मैं ही कैबिनेट हूँ। क्या बात है यार, आज सबको अखबार, ऑफिसेज, प्रिंटिंग प्रेसेस सबकी बिजली काट दो। किसने सोचा था कि लोकतंत्र का ऐसे ही गला घुटेगा? हर आवाज जो उसके खिलाफ उठेगी कुचल दी जाएगी। आपातकाल भारत के लोकतंत्र पे काला धब्बा है। सारे देश में तुम्हारे खिलाफ नफरत का माहौल पैदा होता जा रहा है। ओ भाई यार, कुछ इस देश से। तुम जानते हो कि हमारी पार्टी को क्या चाहिए? पार्टी वोट चाहिए, किसानों चाहिए, खालिस्तान। खालिस्तान के बारे में भी है। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। वाह, सही बात है भाई। इमरजेंसी मूवी का नाम है इमरजेंसी, और ये 6 सितंबर को रिलीज हो रही है सिनेमा हॉल में। इसके अंदर हमें कंगना रनौत नजर आ रही हैं, किसके रूप में? इंदिरा गांधी के रूप में। और श्रेयस तलपड़े भी हैं इस मूवी में, अनुपम खेर भी हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर इस मूवी के अंदर मौजूद हैं। तो काफ़ी शानदार धमाकेदार मूवी होने वाली है इमरजेंसी। इंदिरा गांधी की मतलब लाइफ के बारे में बताया गया है, राजनीतिक पहलू के बारे में बताया गया है कि किस तरह की राजनीति हुई थी इंडिया में, तो वो सब चीज़ दिखाई जाएगी इस मूवी के अंदर। काफ़ी अच्छी होने वाली है, कुछ सीखने को मिलेगा इस मूवी से। तो मुझे लगता है आप सभी को भी ये मूवी देखने जाना चाहिए, मैं भी जाऊंगा। तो कैसा लगा आज का रिएक्शन वीडियो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए वगैरह मत जाइएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, जब तक स्टे ट्यून्ड, बाय।